नमस्कार, एल्कोहल के लेक्चर नंबर 15 में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम एल्कोहल्स को डिस्टिंगाइज करने के लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स में किस प्रकार से विभेद करते हैं, किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसमें काम आने वाले दो इम्पोर्टेंट मेथड विक्टर मेयर मेथड एंड लुकास टेस्ट को अपन आज डिस्कस करेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। सबसे पहले विक्टर मेयर मेथड, सेकेंड लुकास टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं विक्टर मेयर्स मेथड। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल कैन बी डिस्टिंगाइज्ड बाय विक्टर्स मेयर मेथड। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स को विक्टर मेयर के मेथड के द्वारा किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट किया जाता है उसको हम देखते हैं कि विक्टर मेयर मेथड में एक प्रोसेस फॉलो होता है जो निम्न प्रकार से है। इसमें अल्कोहल की रिएक्शन एक सीक्वेंस से भिन्न भिन्न रिएजेंट के द्वारा करवाते हैं, जिसके द्वारा बाद में एक कलर सॉल्यूशन प्राप्त होता है। उस कलर सॉल्यूशन के आधार पर उस पर किस प्रकार का कलर बनता है, उसी के आधार पर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स का पता लगाया जाता है कि कौन सा एल्कोहल है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एल्कोहल की रिएक्शन रेड फास्फोरस और I2 के साथ, आयोडीन के साथ करवाते हैं, जिससे हमें एक कंपाउंड प्राप्त होता है। क्लियर। अब इसकी रिएक्शन बाद में सिल्वर नाइट्राइड AgNO2 के साथ करवाते हैं, जिससे हमें बी कंपाउंड प्राप्त होता है। अब बी कंपाउंड की रिएक्शन नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ करवाते हैं, जिससे सी कंपाउंड प्राप्त होता है। और सी कंपाउंड के रिएक्शन बाद में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो हमें कलर सॉल्यूशन प्राप्त होता है। यह किस कलर का बनेगा यह डिसाइड करेगा कि वो एल्कोहल कौन सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रिएक्शन पूरी किस प्रकार से होती है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल्स को अपन तीनों को लिख लिया एक साथ। जब प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन रेड फास्फोरस और आयोडीन के साथ करवाते हैं, तब वाटर मॉलिक्यूल बाहर और OH की जगह क्या जुड़ जाएगा, आयोडीन। ठीक है, तो आयोडो एल्केन अपन को प्राप्त होता है। अब इसी प्रकार 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल से भी हमें करस्पॉन्डिंग आयोडो एल्केन प्राप्त होते हैं और एस्ट्रो मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। अब आयोडो एल्केन्स की रिएक्शन जब AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड के साथ करवाते हैं तो यहाँ आयोडीन की जगह क्या जुड़ जाता है, NO2। ठीक है, तो यहाँ करस्पॉन्डिंग नाइट्रो एल्केन्स प्राप्त होते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में। तीनों में AgNO2 के साथ रिएक्शन होती है। अब आगे इस नाइट्रो एल्केन्स की रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हैं तो आप देखो 1 डिग्री में ये कार्बन जिसे NO2 जुड़ा हुआ है, इस पर 2 हाइड्रोजन एटम है, तो ये 2 हाइड्रोजन एटम और ये 1 ऑक्सीजन एटम बाहर निकल जाते हैं वाटर फॉर्म में। ठीक है, और इस कार्बन से क्या जुड़ जाता है, डबल बॉन्ड NOH, नाइट्रोलिक एसिड हमें प्राप्त होता है। 2 डिग्री एल्कोहल में जब HNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर आप देखो इस कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ से अब ये निकलेगा OH और इसका निकलेगा हाइड्रोजन। तो इस कार्बन से नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा, एन बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ, स्यूडो नाइट्रोल प्राप्त होता है। 3 डिग्री में आप देखो कि यहाँ पर पास कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो ये नाइट्रस एसिड के साथ इसकी रिएक्शन नहीं होती है, कोई रिएक्शन नहीं होती है और कलर सॉल्यूशन वाइट यानी कलरलेस जो भी है वाइट अपना प्राप्त होता है। अब 1 डिग्री में जो नाइट्रोलिक एसिड बना, इसकी रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो सोडियम नाइट्रोलेट प्राप्त होता है, जिसका कलर कैसा होता है, रेड कलर। और 2 डिग्री में स्यूडो नाइट्रोल जो बनता है उसकी रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जब 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो हमें कौन सा कलर प्राप्त होगा, रेड कलर। 2 डिग्री एल्कोहल होगा तो कैसा होगा, ब्लू कलर। और 3 डिग्री होगा तो कोई कलर प्राप्त नहीं होगा, वो वाइट सा ही रहेगा। तो इस आधार पर हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विक्टर मेयर मेथड के आधार पर। अब बात करते हैं जो दूसरा टेस्ट है अपना, लुकास टेस्ट।
लुकास टेस्ट में सबसे पहले बात है लुकास, लुकास रिएजेंट क्या होता है, लुकास रिएजेंट कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सर होता है। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स रिएक्ट विद लुकास रिएजेंट विद डिफरेंट स्पीड, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ डिफरेंट स्पीड के साथ रिएक्ट करते हैं। टर्शरी एल्कोहल्स रिएक्ट इमीडिएटली, टर्शरी एल्कोहल तुरंत रिएक्शन देता है, सेकेंडरी एल्कोहल 5 मिनट बाद में PPT बनाता है और प्राइमरी एल्कोहल्स की रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। यह जो रिएक्शन होती है वह SN1 टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें कार्बोकेटायन बनता है। ऐसे होती है एल्कोहल की रिएक्शन जब HCl और ZnCl2 लुकास रिएजेंट के साथ कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है, सबसे पहले एल्कोहल पर H+ एसिड है तो प्रोटोनेशन होता है OH पर और RO+ H2 RO+ ऑक्सीजन पर प्लस है RO H2O, ठीक है। अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा और कार्बोकेटायन प्राप्त होगा। अब चूंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है तो क्लोराइड से तुरंत रिएक्शन देता है और एल्किल क्लोराइड अपन को प्राप्त होता है। 2 डिग्री कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन की तुलना में कम स्टेबल होता है इसलिए उसकी रिएक्शन थोड़ी लेट होगी, स्लो होगी। और 1 डिग्री कार्बोकेटायन चूंकि अनस्टेबल होता है तो उसकी रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो होगी। और इस प्रकार से हम लुकास रिएजेंट के द्वारा भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनमें क्या विभेद है वो पता लगा सकते हैं।